नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। स्वर्गीय रामदयाल नेताजी स्मृति संगोष्ठी कार्यक्रम पर किसान संगठन ने किया तीनों काले कानूनों का विरोध प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मुरैना तहसील कैलारस में ग्राम निराला क्षेत्र के प्रसिद्ध किसान नेता रामदयाल नेताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि स्मृति के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक तिवारी जी उपस्थित हुए। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि स्वर्गीय रामदयाल नेताजी किसान आंदोलन के प्रमुख संत थे, जो आज भी उनका संघर्ष किसान संघ के द्वारा जारी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार बनाए जा रहे किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने महाभारत के उपप्रसंग की याद दिलाई, जिसमें भीष्म पितामह से युद्ध हुआ था। उसके बारे में उदाहरण देते हुए कहा कि अर्जुन ने सिंघड़ी को आगे कर पितामह को बाण चलाने से रोक दिया था। तब ये कहा गया कि जो बाण चल रहे हैं यह पीछे से सिंघड़ी की आड़ में चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से ये जो तीनों कृषि कानून लागू किए गए हैं वो मोदी को आगे रखकर कॉरपोरेट के हितों को पूरा करने के लिए लागू किए गए हैं। इसमें खाद्यान्न की विपणन व्यवस्था, मंडी सोसाइटी समाप्त कर दी जाएगी, ठेका खेती लागू कर दी जाएगी, जमाखोरी को छूट दे दी जाएगी, जिससे भारत के किसान की दुर्दशा होगी। इसी दुर्दशा पर अंकुश लगाने के लिए आज किसान सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। इस आंदोलन को उग्र करने के लिए जिले भर के किसानों को संघ में शामिल होने का आग्रह किया है। इस मौके पर किसान संघ के नेता गयाराम सिंह धाकड़, शक्कर कारखाना के पूर्व संचालक उदयराज सिंह, SFI के प्रांतीय संयुक्त सचिव राजवीर सिंह धाकड़, सिंचाई अध्यक्ष राम लखन सिंह, जगन्नाथ सिंह धाकड़, मनोज सिंह धाकड़ आदि मंचासीन रहे और आम जन को संबोधित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोंडेरे के सरपंच दर्शन लाल कुशवाहा ने की। इस मौके पर ग्राम के सभी गणमान्य नागरिक किसान उपस्थित हुए आयोजन समिति के प्रमुख गिरराज घड़ीवाला विशंबर दयाल धाकड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति पर कोरोना संकट से लड़ने के लिए मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र तिवारी, मुरैना।